नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस प्रदेश सचिव बोहत ने सौंपा अवैध उत्खनन को लेकर ज्ञापन, साथ ही धरने पर बैठने की दी चेतावनी। पुरवाई विधानसभा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के द्वारा निडरता एवं उनकी दबंगता के चलते धड़ल्ले से रेत उत्खनन किया जा रहा है। ऐसे में कुरवाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सुभाष बोहात ने श्रीमती आरती यादव को ज्ञापन सौंपकर अवैध उत्खनन रोकने को लेकर शिकायत की है। प्रशासन के द्वारा अगर अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी रहे बोहात ने स्पष्ट लहजे में कुरवाई प्रशासन को चेतावनी दी है कि 27 मई को बोहात स्वयं और उनकी दोनों पुत्रियां जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बोहात एवं पूजा धावरी कुरवाई स्थित अपने निवास पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते वे धरना प्रदर्शन अपने निवास स्थान से ही करेंगे। पूर्व में कुरवाई क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नितिन जैन पिंटू के द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर बेतवा नदी पर अवैध उत्खनन के स्थान पर धरना देने को लेकर ज्ञापन कुरवाई SDM को सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण बेतवा तट एवं अवैध उत्खनन के स्थान पर नहीं किया गया और अवैध उत्खनन लगातार चलता रहा। ऐसे में तत्कालीन SDM गोपाल सिंह वर्मा ने कुछ समय के लिए अवैध उत्खनन पर लगाम लगाई थी, लेकिन रेत माफियाओं के द्वारा उनका स्थानांतरण राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए करवा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रेत माफिया जो अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, उनका राजधानी एवं जिला विदिशा की राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप है। इसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते तत्कालीन SDM गोपाल सिंह वर्मा का भी स्थानांतरण करवा दिया गया था। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। बोहात जी ने अवैध उत्खनन को लेकर ज्ञापन दिया है और उन्होंने धरने के लिए भी बोला है, तो इस संबंध में आप क्या? जी, आज बोहात जी का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने क्षेत्र में चल रहे अवैध उत्खनन के बारे में कहा है और मेरे साइड से ये इंश्योर कराया जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में यदि अपने किसी भी घाट में अवैध उत्खनन किया जा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे जिला अधिकारी कलेक्टर साहब का भी यही निर्देश है कि यदि कहीं भी ऐसी कार्रवाई चल रही है, अवैध गतिविधि चल रही है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और निश्चित तौर पर मैं ये बोहात साहब को भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने 26 तारीख तक का समय अपने ज्ञापन में दिया है, तो उन्हें अनशन पर हम नहीं बैठने देंगे और कार्रवाई निश्चित करेंगे। उनके द्वारा ककरुआ पठार पर अवैध रेत भंडारण के बारे में बताया गया है, क्योंकि वह जगह पहले से विवादित रही है, वहाँ भंडारण चोरी होता रहा है। जब प्रशासन का जब्ती हुआ माली वहाँ से चोरी हुआ करोड़ों रुपए का, अभी भी वहाँ पर भंडारण है। जी, जैसा ये मैंने वीडियो भी देखा है आप लोगों के माध्यम से, तो इसके लिए मैंने कल ही माइनिंग विभाग जो हमारे प्रभारी हैं उनसे चर्चा कर ली है, क्योंकि वो स्टॉक लगा हुआ है तो हमें निश्चित तौर पे खनिज विभाग की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके थ्रू हम कार्रवाई करेंगे। इतिहास के बारे में भी मुझे पता है कि वहाँ पहले प्रशासन ने जो जब्त किया था वो चोरी हुआ है, तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है और इस पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई। आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है SDM मैडम को, किस संबंध में आपने आज ज्ञापन दिया है? देखिए, कुरवाई विधानसभा क्षेत्र का पूरा क्षेत्र, चाहे वो बंडवासुदा का हिस्सा हो, चाहे सिरोंज का हिस्सा हो और चाहे कुरवाई तहसील का हिस्सा हो, जब से हमारी सरकार कांग्रेस की हटी है, कांग्रेस की सरकार हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुरवाई विधानसभा क्षेत्र को रेत का अवैध कारोबार का अड्डा बना दिया। लगातार हमारी शिकायतों के बावजूद लॉकडाउन में भी रेत का अवैध उत्खनन होता रहा, लोगों की नदियों पर स्टॉप बना दिए गए, पूरी तहसील के अंदर, खासतौर से कुरवाई तहसील के अंदर रेत अवैध उत्खनन की कारोबार हो रहा है। लगातार हमारा कुरवाई का मीडिया इस बात को लिख रहा है, गैंगवार की बात कर रहा है कि गैंगवार हो सकता है यहाँ, लेकिन अवैध उत्खनन करने वाले पूरी ताकत के साथ अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उन्हें न शासन का डर है न प्रशासन का डर है, सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कारण आज हमने कांग्रेस की तरफ से, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, हमने ज्ञापन दिया है और माननीय SDM महोदय से, माननीय विदिशा में कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि
पुरवाई विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक नदी घाट पर जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको रोका जाए, नहीं रोका जाता तो 27 तारीख से मैं अपने घर पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए मेरी दोनों बेटियों के साथ जो जिला पंचायत की सदस्य हैं उनके साथ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होने वाली। अभी एक कांग्रेस के युवा नेता द्वारा भी धरना का कहा गया था, लेकिन उनको डरा धमका दिया गया या फिर वो उनसे मिल गए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। अवैध उत्खनन बंद किया लेकिन कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। देखिए, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा। प्रशासन को डराने धमकाने का काम भी यहाँ के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। इस कारण हो सकता है जो कार्यवाही प्रशासन को करनी चाहिए थी नहीं हुई। हमारे कांग्रेस के एक साथी ने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है, उनने भी उग्र आंदोलन करने की बात कही थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, शासन के नियमों का जो हमें पालन करना चाहिए उस पालन के साथ हम अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नितिन जैन जी या और भी जो साथी हमारे काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। हम कांग्रेस के वर्कर हैं। जब तक पुरवाई विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन का काम होगा हम ईमानदारी से उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। हुआ में रेत का अवैध भंडारण किया गया है, क्या वह प्रशासन की नज़र से दूर है? नहीं, मैं ये मानता हूँ प्रशासन, पहले तो ये बात है कि SDM महोदया अभी नई आई है, हमारी कुरवाई की भौगोलिक स्थिति से नदियों के घाटों से शायद वो परिचित नहीं है, उनको बस दो दिन या तीन दिन पहले ही ज्वाइन हुई है। मेरा SDM महोदय से, बहन यादव जी से निवेदन है कि वह विधानसभा क्षेत्र के खासतौर से कुरवाई तहसील की हर नदी घाट का अवलोकन करने जाएं। जहां जहां भी अवैध रेत उत्खनन का स्टॉक है उसको जब्त किया जाए और जब्त करने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिनके हैं उनके खिलाफ, और जिन लोगों ने रेत लगातार अवैध तरीके से निकाल रहे हैं, मशीनों से निकाल रहे हैं, पनडुब्बी से निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। मैं आपके माध्यम से ये बात को कहना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में NGT ने अवैध और वैध उत्खनन के लिए, रेत के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी। अब नए परमिशन के बाद ठेकेदार भी रेत नहीं निकाल सकता, नई परमिशन के बाद शासन से रेत निकाल सकता है, उसके सारे नियमों का उसे पालन करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण आज हमने ये ज्ञापन दिया है और 27 तारीख से मेरे घर पर पुरवाई में जो मेरा घर है वहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए विवश होने के लिए मजबूर। कल अवैध उत्खनन को लेकर बैतूल में एक घटना हुई जिसमें DSP और तहसीलदार पर हमला हुआ, कई पटवारी घायल हुए, तो इस प्रकार की घटना कुरवाई क्षेत्र में होने की संभावना है, लेकिन प्रशासन अनजान है। देखिए, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से मैंने अभी बात की है, तहसीलदार महोदय से बात की है, बैतूल की घटना को लेकर भी हमारी SDM महोदय से बात हुई है और तहसीलदार महोदय से बात हुई है। बैतूल की घटना हमारा आईना है, क्योंकि अवैध रेत उत्खनन आदमी को रोड़पति से करोड़पति बनाता है। इस कारण अवैध उत्खननकर्ता निडर होकर अवैध उत्खनन का काम करते हैं। पुरवाई विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरीके के लड़ाई झगड़े होने की प्रबल संभावना है और ये लड़ाई झगड़ा शासन प्रशासन के लोगों से भी हो सकता है और आपस में भी हो सकता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, सख्ती से इस बात को रोका जाए, हर घाट पर जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रशासन दौरा करे और कार्यवाही करे अवैध उत्खनन करता हूँ। धन्यवाद।